ऑल राइट यार गाइस, अभी जस्ट 2 मिनट पहले क्लैन गेम ओपन हुआ है और आज हम जस्ट 1 घंटे में क्लैन गेम को पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। मैं दूसरे अकाउंट में था, दूसरे अकाउंट से इस वाले अकाउंट में आया, वापस आके मैंने देखा भाई मेरी कोई इतनी सारी लूट लेके गया है, क्योंकि मुझे लेआउट चेंज करने का याद ही नहीं था। तो अभी लेआउट चेंज कर लेते हैं, नहीं तो मैं फिर से भूल जाऊँ और कोई बंदा आके फ्री की लूट फिर से ले जाए, और ये हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अभी के लिए ये वाला लेआउट बढ़िया है, अपन लोग चलते हैं क्लैन गेम पे। ये रहा अपना बढ़िया सा क्लैन गेम और इसमें अपन को बढ़िया से चैलेंज देखने, और ये वाला ही चैलेंज सबसे बढ़िया लगा मुझे। 4 नाइट वाले अपन को ओटीटी बिल्डर हट को तोड़ना है, जो सेकंड वाला बेस होता है ना, मतलब पहला वाला बेस क्लियर किया उसके बाद जो सेकंड वाला बेस आता है उसमें जो बिल्डर बेस होता है, मतलब जो मेन बेस होता है, मेन बेस बोलते हो झोपड़ी टाउन हॉल होता है जो, उसको तोड़ना है अपन को। तो चलो चलते हैं, अपने डे वाले में बूस्ट लगा दिया जिससे अपनी आर्मी भी फटाफट से रेडी हो जाए। जब तक अपन ये वाला चैलेंज कंप्लीट करेंगे तब तक वो वाली आर्मी भी रेडी हो जाएगी। यहाँ से अपनी बैटल क्वीन और एक पिक्का और दो दो पिक्का दोनों साइड से, अभी देखते हैं क्लीयरेंस के लिए। उसके बाद अपन थर्ड पिक्का छोड़ते हैं कहीं पे, ओके बढ़िया जा रहा है, ऊपर भी छोड़ देते हैं साथ में बैटल क्वीन की, मतलब अपनी बैटल मशीन की यार, हम लोग समझते हो इतना। तो बैटल मशीन को एबिलिटी दे देते हैं, क्योंकि सेंटर में जो ये मॉन्स्टर रखा हुआ है ना भाई, ये सभी को खा जाएगा। अगर ये नहीं मरा ना तो सभी को सही में खा जाएगा, इसको निपटाना पड़ेगा सबसे पहले। लेकिन किससे निपटाऊं? हाँ, अपनी बैटल क्वीन जाएगी, मतलब अपनी बैटल मशीन जाएगी, मार देना बैटल मशीन, मार देना बस। ये ले एबिलिटी, नाइस, एक और हिट, नाइस, आई थिंक 3 स्टार हो जाएगा अब अभी। लेकिन ये बचा कर सर, ओके यार वो भी टूट गया है, लेकिन अपनी बैटल मशीन और एक पिक्का शहीद हो गए। फिर भी हमारे पास 5 पिक्का बचे हुए हैं, जो कि काफी है, क्योंकि 2 और मिल जाएंगे अभी जाके थोड़ी देर में अपन को। ओके यार लेट्स गो, ये वाला बेस 3 स्टार हो चुका है, अपन चलते हैं सेकंड बेस पे। ऑल राइट, ये वाला बेस आई थिंक सो क्लियर कर सकते हैं अपन, देखते हैं, थोड़ा हार्ड है बट शायद क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से अपना हेलीकॉप्टर छोड़ते हैं, और यहाँ से एक पिक्का छोड़ते हैं, यहाँ से एक और पिक्का छोड़ते हैं जिससे थोड़ा सा फनल टाइप का बन जाए। यहाँ से अपन पूरी की पूरी आर्मी अंदर डालने वाले हैं, यहाँ से एक और पिक्का, अभी अपने पास बहुत सारे पिक्का बचे हुए हैं। लेट्स गो, इसको तोड़ सबसे पहले, नहीं तो एक कर्सर मार देगा अपने बहुत सारे पिक्का को। एक पिक्का अपना निपट गया, बट कोई दिक्कत ना, आई थिंक सो अपन कर सकते हैं। ये एक्सपो बहुत तेज मार रहा है यार, इसको निपटाना पड़ेगा, लेकिन कैसे, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, बस मैं वेट कर सकता हूँ। ओके, 6 नंबर का पिक्का भी गया, 3 नंबर का पिक्का स्टिल अलाइव, नॉट बैड, सही है सही है सही है, अच्छा जा रहा अभी तक अपना अटैक। सबसे पहले इसको ही मारो, ओके अपना हेलीकॉप्टर बढ़िया काम कर रहा, मार दे उसको ही मार दे। अभी 2 पिक्का अपने बचे हुए हैं, साथ में उनकी एबिलिटी भी है, आई थिंक आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि एक ही आर चलता है जो वो भी निपट गई। अभी अपन को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 ही बिल्डिंग बची हुई है, एक और गई, जस्ट 1 बिल्डिंग। ऑल राइट, अपना 200% निकल चुका है, और अपना एक जो बिल्डर अपन को तोड़ना था ओटीटी वाला वो टूट गया है। जल्दी से 3 ओटीटी बिल्डर हट और तोड़ देते हैं, ये किया गया 163% 5 स्टार के साथ में, जो कि सही है। 2 बिल्डर हट टूट चुके हैं, एक और गया 141% के साथ में, मतलब मैं हार गया, ऐसी बात नहीं है कि 200% हो सकता था, मैंने काट दिया, नहीं वो हो ही नहीं सकता था। और ये किया गया, पूरे के पूरे चारों के 4 बिल्डर हट अपन ने तोड़ दिए, और ये चैलेंज भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज पे, देखते हैं कितने पॉइंट थे, 600-500 ऐसे कुछ थे, 600 थे, नॉट बैड। अपन देखते हैं अब कोई बढ़िया सा चैलेंज, अबे क्लैन वाले भी एक्टिव है, कोई दिक्कत ना, 1500 मिल गए हैं भाई इसमें, लिटरली 1500, नॉट बैड। इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, इसको स्टार्ट करते हैं, सुपर वेलकर यहाँ से अनलॉक करते हैं, अनलॉक हो जा। 25,000 एलेक्जर मैं बिल्कुल भी ना देता अगर सेकंड अकाउंट होता, लेकिन इसमें अपन को डार्क वाले एलेक्जर बिल्कुल भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि अपने हीरोज मैक्स हो चुके हैं, इसकी वजह से मैंने दे दी फ्री पॉकेट में। और लूट की तो भाई बात ही मत करो, आजकल लूट बहुत ज्यादा बढ़िया मिल रही है। क्लैश ऑफ क्लैन वालों ने ये वाला काम तो बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि साला पिछली जिंदगी में तो 5 लाख लूट ढूंढने में भी ऐसी तैसी होती थी। चलो ठीक है, अभी अपने पास बढ़िया लूट है इसमें, और अपने पास लालो भी है, फटाफट से अटैक करते हैं, बस 3 स्टार निकल जाए जल्दी से, क्योंकि मुझे लीजेंड भी लगाना है, मैं सोच रहा लीजेंड लगा लूँ, थोड़ा मज़ा आएगा लीजेंड में अटैक करने में। ऑल राइट, नो इशू, वार्डन की एबिलिटी देते हैं, यार टीएच मिस हो गया, मुझे थोड़ा और राइट साइड से छोड़ना चाहिए, टीएच भी मिल जाता। पूरे के पूरे लावा लोन भाई बेस के बाहर क्यों जा रहे हैं, ऐसे में अटैक फेल होगा, पक्का अटैक फेल होगा। अबे लून्स अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, वो नहीं आएंगे भाई, अभी ईगल मार देगा सबके सबको। किंग कहाँ जा रहा है, क्वीन कहाँ जा रही है, रॉयल चैंपियन कहाँ से छोड़ूँ मैं, चला दिमाग नहीं चल रहा, मैं तो किंग को एबिलिटी देनी पड़ेगी यहाँ से, रॉयल चैंपियन भी यहीं से छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर ईगल नहीं निकला तो सपने देखना भूल जाओ कि अपना बेस 3 स्टार होगा।
साला बहुत डैमेज दे रहा है। अभी किंग पे लॉक है तो किंग को डैमेज दे रहा है। अभी जैसे ही किंग मरेगा क्वीन पे लॉक हो जाएगा, फिर क्वीन की ऐसी तैसी होगी। इसलिए भाई वर्ल्ड चैंपियन तो जल्दी से ईगल निकाल ले, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगा। फिलहाल अपना किंग भी निपट चुका है, अब तो यार बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे डिस्टर्ब होना, बट स्टिल शायद हम कर सकते हैं। एनिमी की क्वीन आ गई वर्ल्ड चैंपियन पे, अपनी क्वीन को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया ईगल ने। ईगल ने खा ली अपनी क्वीन, आधे से ज़्यादा खा ली। अभी अपनी क्वीन की लेकिन एबिलिटी बची हुई है, जल्दी से एबिलिटी देते हैं। ओके ओके, अबे यार ये ईगल का स्वॉर्ड अभी बचा हुआ था भाई, क्वीन निपटा दी उसने, नहीं तो थ्री स्टार आसानी से निकल जाता। ओ भाई बिल्कुल थोड़ी सी हेल्थ है टाउन हॉल की। ओके टाउन हॉल तो निकल गया, बट इसका क्या, आई थिंक 99% टू स्टार, आई थिंक क्या भाई वो हो ही गया। चलो कोई दिक्कत ना, सेकंड अटैक करते हैं जल्दी से, क्योंकि अभी चार अटैक अपने बाकी हैं। ये सेकंड अटैक गया जो 88% लूट बढ़िया थी, 15 लाख 16 लाख, इसकी वजह से हमने अटैक कर दिया। और ये वाला वैसे एक्टिव करते हैं क्योंकि अपने पास थोड़ी सी स्टोरेज फुल हो गई होल्ड वाली, और अपन को बेस अपग्रेड पे लगाना है कुछ, बिजार टावर ही लगा देते हैं क्योंकि अपन को सबसे पहले बिजार टावर ही मैक्स करना है। जल्दी से सेकंड अटैक पे चलते हैं। एक अपन को साइड में टाउन हॉल मिल गया तो सोचा क्यों ना इसको निकाल लिया जाए, वन स्टार कर लिया जाए, और साथ में अपनी वेलकमी भी छोड़ दी अपन ने, क्योंकि एक मिशन तो इससे ही कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट यार, अपन तीन अटैक जीत चुके हैं, बस दो ही अटैक बचे हुए हैं। एक और अपन ने फिनिश कर दिया, ये थ्री स्टार भी निकाल दिया, इसमें भी बढ़िया लूट थी। और अब लास्ट अटैक जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और अभी अपन को 1500 मिल चुके हैं। अभी अपने 2100 ये सुपर ट्रूप्स वाला चैलेंज एक्टिवेट करते हैं, जिसमें अपन को 100 स्पेस के सुपर ट्रूप्स को छोड़ना है, जो अपन ने कंप्लीट कर दिया है सुपर वेल के भी छोड़ छोड़ के। ये हो गया कंप्लीट। अभी अपने कितने हो चुके हैं चैलेंज पॉइंट, कितने 2600। अबे मेरी मैथ कैलकुलेशन कैसी है, मैं 12th में कौन से सब्जेक्ट से था, चलो छोड़ो शायद मैथ से ही था। यही चैलेंज बचा है जो थोड़ा बड़ा सा है, बट सबसे पहले ये 200 वाला कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान सा है, अपन को इसमें बिल्कुल भी नहीं मेहनत करनी। दो पिक्का छोड़ो, उनको फोड़ो और बाहर आ जाओ, फिर से अटैक करो, फिर से दो तीन पिक्का छोड़ो, उनको फिर से फोड़ो और फिर से बाहर आ जाओ। ये वाला चैलेंज भी अपना कंप्लीट हो चुका है, ये शायद ज़्यादा ही फास्ट था कुछ। इसके बाद यही कर लेते हैं 500 वाला स्टार्ट, क्योंकि ये थोड़ा बढ़िया सा फील हो रहा है मुझे, और सब तो छोटे सस्ते सस्ते चैलेंज हैं। ओके अब हमने इसी वाले को स्टार्ट कर लिया है। देखो अब हमने अपने होम विलेज में दो दो ट्रेनिंग पोजीशन लगा रखी हैं। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि हमने चैलेंज को कंप्लीट कर दिया है, और हमारे अभी पॉइंट 28,500 हो चुके हैं। अभी अपन को बहुत कम पॉइंट चाहिए। अपन ने एक स्नीकी आर्चर वाला चैलेंज स्टार्ट किया और जैसे जल्दी से कंप्लीट किया, उसे कंप्लीट करने के बाद अपने पास 100 पॉइंट और आ गए। अभी अपने 3400 हो गए, अभी अपन को 600 पॉइंट चाहिए। ओके अब हमने गार्ड पोस्ट वाला चैलेंज एक्टिवेट किया था और वो कंप्लीट भी हो गया, और अभी अपने पास 150 पॉइंट और आ चुके हैं इसके, तो 3500 समथिंग हो चुके हैं। अभी अपन को 450 और चाहिए। ऑल राइट, एक स्टार अपन को बॉक्सर जेंट से करना है, लेट्स गो। एक स्टार करते हैं जल्दी से, ये रहा बेस और ये रहा टाउन हॉल साइड में ही, और जल्दी से टाउन हॉल को फोड़ते हैं और इसको अटैक को काटते हैं, और एक स्टार हो गया। अपन को इतना ही चाहिए, चैलेंज भी कंप्लीट हो गया है, इसको कलेक्ट करते हैं। अब ये 300 वाला स्टार्ट कर लेते हैं, अपन को फर्स्ट 60 सेकंड में 3 स्टार करने हैं, बस इतनी नॉर्मल सी बात है। जल्दी से चलते हैं अपन अटैक पे, और एक स्टार ये हो गया और 2 स्टार अपन ने पहले कर लिए थे, तो अपना चैलेंज कंप्लीट हो गया। अभी अपने 3900 हो गए समथिंग, हाँ 3950 हो गए। अभी 50 पॉइंट बस चाहिए, और अभी ये रहा एक सस्ता सुंदर टिकाऊ चैलेंज, जिसको स्टार्ट करके अपन को 5 पेड़ काटने हैं, कोई भी पेड़ हो। एक ये काट दिया, और कुछ यहाँ के निकाल लेते हैं, एक ये काट दिया, एक ये काट दिया, और एक ये काट दिया, और एक ये काट दिया। जल्दी से ऑल राइट हो गया भाई, लिटरली हमने इतनी जल्दी 4000 पॉइंट कर दिए समथिंग 1 घंटा 10-15 मिनट में। ऑफ कोर्स 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन कोई दिक्कत ना, तुम बड़े बड़े चैलेंज स्टार्ट करो, उनको कंप्लीट करो, हो सके तो बिल्डर वेस की बड़े बड़े चैलेंज लो जो जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि आर्मी की दिक्कत नहीं होती ना, वो डायरेक्ट ट्रेंड हो जाती है। और अगर कुछ चैलेंज डे वाले बेस के हैं, मतलब होम विलेज के, तो यार कुछ ट्रेनिंग पोजीशन लगा लो, एक दो तो लगा ही लो। मेरे पास बहुत सारी पड़ी थी, 4 पड़ी थी समथिंग, और मैंने कुछ बेंच रखी थी और भी मैं खरीद सकता था, तुमको पता ही होगा कहाँ से खरीद सकते हैं। तो तुम ट्रेनिंग पोजीशन यूज़ कर लो, और ट्रेनिंग पोजीशन यूज़ करने के बाद वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब तुमने कभी दिया होगा। मिलते हैं यार अगले वीडियो में, बाय बाय।